फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर फिल्म और टेलीविज़न की शिक्षा दी जाती है। इसमें फिल्म के 7 स्पेशलाइजेशंस हैं, फिल्म डायरेक्शन, फिल्म एडिटिंग, सिनेमाटोग्राफी, साउंड रिकॉर्डिंग एंड साउंड डिज़ाइन, आर्ट डायरेक्शन एंड प्रोडक्शन डिज़ाइन, स्क्रीन एक्टिंग और स्क्रीन प्ले राइटिंग, फीचर फिल्म स्क्रीन प्ले राइटिंग। ये 7 स्पेशलाइजेशन फिल्म विंग के हैं और टेलीविज़न विंग के फिल्म डायरेक्शन, टेलीविज़न डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक सिनेमाटोग्राफी, एडिटिंग और साउंड रिकॉर्डिंग एंड टीवी इंजीनियरिंग। तो इस तरह ये 11 कोर्सेज हैं जो FTII में जिसकी शिक्षा दी जाती है। इनमें से कुछ कोर्सेस 3 साल के हैं, ऐसे 6 कोर्सेस हैं जिसमें फिल्म के जितने PG डिप्लोमा कोर्सेस हैं, फिल्म डायरेक्शन, फिल्म साउंड, फिल्म एडिटिंग, फिल्म सिनेमाटोग्राफी, आर्ट डायरेक्शन, ये 3 साल के कोर्सेस हैं और स्क्रीन एक्टिंग 2 साल का है। तो ये कोर्सेस जो हैं ये PG डिप्लोमा कोर्सेस कहलाते हैं और बाकी जो 5 कोर्सेस हैं ये PG सर्टिफिकेट कोर्सेस हैं। FTII में दाखिले के लिए एक जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट से होकर गुजरना पड़ता है हर कैंडिडेट को। ये जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट FTII और कोलकाता में जो सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट है, ये दोनों इंस्टीट्यूट्स मिल के कंडक्ट करती हैं और इसमें योग्यता चाहिए ग्रेजुएशन। FTII और सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट, दोनों इंस्टीट्यूट्स में दाखिले के लिए ग्रेजुएट होना ज़रूरी है क्योंकि सारे कोर्सेस पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस हैं। और इसमें इस साल एक उदाहरण के तौर पर 2019 में 6125 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया और FTII में लिए जाएंगे सिर्फ 112। यहाँ जितने कोर्सेस हैं 11 कोर्सेस, सभी कोर्सेस में 10 स्टूडेंट्स लिए जाते हैं स्क्रीन प्ले राइटिंग को छोड़कर, जिसमें 12 स्टूडेंट्स लिए जाते हैं। तो इस तरह 112 स्टूडेंट्स इस साल 2019 में FTII में दाखिला लेंगे जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट के द्वारा। जेट एग्ज़ाम जो है ये एक रिटर्न एग्ज़ाम है जिसमें एक रिटर्न एग्ज़ाम है, उसके बाद के स्टेज में एक्टिंग के स्टूडेंट्स के लिए जैसे ऑडिशन, उसके बाद ओरिएंटेशन और फिर इंटरव्यू, और बाकी के कोर्सेज के लिए ओरिएंटेशन और इंटरव्यू, ये 2 और स्टेजेस होते हैं। इन सब स्टेजेस के बाद में मेरिट लिस्ट तैयार होती है और फिर कैंडिडेट्स सिलेक्ट किए जाते हैं। FTII में जो स्पेशलाइजेशंस हैं उनके लिए स्टूडेंट्स को एक बहुत ही टॉप क्लास फैसिलिटी ऑफर की जाती है, चाहे वो इक्विपमेंट हो, चाहे वो क्लासरूम्स हो और ऑडिटोरियम हो, हर तरह से FTII बहुत ही टॉप क्लास फैसिलिटीज़ ऑफर करती है अपने स्टूडेंट्स के लिए। अब कैमरा को ले लें तो कैमरा के जो स्टूडेंट्स हैं फाइनल ईयर में, वो अपने प्रोजेक्ट्स एरी एलेक्सा कैमरा पे करते हैं। एरी एलेक्सा दुनिया के एक कटिंग एज कैमरा है जिसमें लेटेस्ट फिल्में हॉलीवुड की हो या हिंदी सिनेमा की हो या तमिल सिनेमा की हो, ये वो कैमरा है जिस पर लेटेस्ट किस्म की फिल्में बनती हैं और उस पर ही हमारे स्टूडेंट्स काम करते हैं। इसी प्रकार एडिटिंग में भी जो सिस्टम्स यूज़ होते हैं इंडस्ट्री में, उन्हीं सिस्टम्स पे हमारे स्टूडेंट्स काम करते हैं। स्टूडेंट्स के क्लासरूम्स के लिए हमने हाल ही में कुछ महीने पहले सतीश बहादुर क्लासरूम थिएटर का निर्माण किया जिसमें 4 क्लासरूम थिएटर्स हैं, उनमें से एक जो है 96 सीटर, उसमें डॉल्बी एटमॉस साउंड है। उस तरह की फैसिलिटी हिंदुस्तान में किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं है और बाकी 3 क्लासरूम्स हैं, तीनों क्लासरूम स्टेट ऑफ द आर्ट है। एक्टिंग डिपार्टमेंट का जहाँ तक सवाल है तो एक्टिंग डिपार्टमेंट को भी इस साल से एक नई बिल्डिंग मिली है, एक्टिंग डिपार्टमेंट का अपना बिल्डिंग है और उसमें उनके पास 2 स्टूडियो फ्लोर्स हैं, एक ओमपुरी स्टूडियो फ्लोर और एक टॉम वॉल्टर स्टूडियो फ्लोर। टेलीविज़न विंग का हम देखो तो टेलीविज़न विंग के अपने स्टूडियोज़ हैं, उनके पास अपने चाहे वो सिनेमाटोग्राफी हो, इलेक्ट्रॉनिक सिनेमाटोग्राफी हो। लास्ट ईयर उनके लिए बहुत एक्सपेंसिव लेंसेज खरीदे गए हैं, इस साल कैमराज एक्वायर हो रहे हैं, नए नए कैमराज आ रहे हैं। एडिटिंग डिपार्टमेंट के पास अपने IMAX सिस्टम्स हैं, साउंड के पास अपने इक्विपमेंट है। तो
जहाँ तक इक्विपमेंट का सवाल है, जहाँ तक फैसिलिटीज़ का सवाल है, रिसोर्सेज का सवाल है, तो FTI को उसके स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री में जो बेस्ट अवेलेबल है वो यहाँ अवेलेबल की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय हो या देशी नेशनल लेवल पर FTI के स्टूडेंट्स अपना झंडा हर जगह गाड़ते हैं। हमारे स्टूडेंट्स हाल के वर्षों में कान से लेकर बर्लिन रॉटरडैम फेस्टिवल्स में उनके फिल्में सिलेक्ट हुई हैं, उनको रिकग्निशन मिली है। जहाँ तक इंडिया के अंदर का सवाल है, पिछले अनेक वर्षों से FTI के स्टूडेंट्स नेशनल अवार्ड्स जीतते रहे हैं। इसमें खास बात यह है कि पिछले कुछ सालों से टेलीविज़न विंग के स्टूडेंट्स खासकर उनकी फिल्मों को राष्ट्रीय स्तर पर बहुत रिकग्निशन मिला है, नेशनल अवार्ड्स जीत रहे हैं। वो पहले भी जीतते रहे लेकिन हाल के वर्षों में इसमें इजाफा हुआ है, और इंटरनेशनल या नेशनल दोनों लेवल पर FTI की फिल्में सिलेक्ट होती रही हैं और FTI के स्टूडेंट्स को रिकग्निशन मिली है। फ़ीस स्ट्रक्चर FTI के फ़ीस, क्योंकि FTI एक भारत सरकार द्वारा फंडेड इंस्टीट्यूशन है, तो ऐसे में यहाँ पर फ़ीस बहुत ही न्यूनतम रखी गई है। ऑलमोस्ट 90% सब्सिडी पे इंस्टीट्यूट काम कर रही है। और फीस का जहाँ तक है तो इस साल लगभग 1,20,000 रुपया पर एनम फ़ी है, जिसमें हॉस्टल इंक्लूडेड है, जिसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट इंक्लूडेड है, जिसमें लाइब्रेरी फ़ीस इंक्लूडेड है, जिसमें वाईफाई फ़ीस इंक्लूडेड है। सारा कुछ मिलाकर लगभग 1,20,000 पर एनम फ़ी यहाँ पर स्टूडेंट पे करते हैं। इसके अलावा दर्जनों स्कॉलरशिप्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप्स हैं, हमारे एलुमनाई द्वारा स्थापित स्कॉलरशिप्स हैं। तो जो ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स हैं, जिनके फाइनेंशियल माली हालत जिनकी ठीक नहीं है, उनको ये स्कॉलरशिप्स ऑफ़र की जाती है। कुछ मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स हैं, कुछ फाइनेंशियल स्टेटस पर डिपेंडेंट है, कुछ कास्ट बेस्ड स्कॉलरशिप है, तो स्कॉलरशिप्स की कोई कमी इंस्टीट्यूट में नहीं है। प्लेसमेंट्स, FTI में प्लेसमेंट की कोई का ऐसा कोई कल्चर रहा नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है और यहाँ से निकलने वाले स्टूडेंट्स जब इंडस्ट्री में जाते हैं तो वो हाथों हाथ ले लिए जाते हैं। लेकिन तब भी एक प्रायोगिक तौर पे हमने लास्ट ईयर से, पिछले 2 साल से, FTI के जो टेलीविज़न विंग के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमने प्रोडक्शन हाउसेस को लिखना शुरू किया है, और कुछ प्रोडक्शन हाउसेस कैंपस में आकर स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लेती हैं, कुछ स्टूडेंट्स को अपने वहाँ मुंबई में बुलाती हैं। तो ये प्लेसमेंट्स का एक हमने एक्सपेरिमेंटल, एक प्रायोगिक तौर पर एक प्रोसेस शुरू किया है, और हमें उम्मीद है कि स्पेशली TV के स्टूडेंट्स को अब ये अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होंगी। फिल्म विंग के जहाँ तक स्टूडेंट्स हैं उसमें अभी हमने प्लेसमेंट्स की कोई शुरुआत नहीं की है, क्योंकि हमारा ये लंबा अनुभव रहा है कि फिल्म विंग के स्टूडेंट्स हाथों हाथ ले लिए जाते हैं। शॉर्ट कोर्सेज का एक बहुत बड़ा उपक्रम शुरू किया है स्किफ्ट के नाम से। स्किफ्ट है स्किलिंग इंडिया इन फिल्म एंड टेलीविज़न। इसमें हमने लगभग 15 कोर्सेज ऐसे आइडेंटिफाई किए हैं जो 2 दिन से लेकर 60 दिन के कोर्सेज हैं। इन कोर्सेज में फिल्म एप्रिसिएशन और डॉक्यूमेंट्री फिल्म एप्रिसिएशन कोर्स, सॉन्ग पिक्चराइजेशन इन इंडिया सिनेमा, इन इंडियन सिनेमा, एप्रिसिएशन ऑफ कॉमेडी इन हिंदी सिनेमा, डिजिटल सिनेमाटोग्राफी, डिजिटल फिल्म प्रोडक्शन, स्क्रीन एक्टिंग, स्क्रीन प्ले राइटिंग, फिक्शन राइटिंग फॉर टेलीविज़न, स्टिल फोटोग्राफी, ऐसे कोर्सेज हमने आइडेंटिफाई किए हैं। और ये कोर्सेज हम देश के अनेक हिस्सों में, अनेक राज्यों में, अनेक शहरों में इसको कंडक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए भी हमने कोर्सेज शुरू किए हैं, स्कूल के बच्चों के लिए, वो हैं फिल्म ओरिएंटेशन और एक्टिंग के बेसिक कोर्सेज हमने शुरू किए हैं, जो गर्मी की छुट्टियों में और सर्दी की छुट्टियों में हम कंडक्ट करते हैं। तो ये एक स्किफ्ट का जो एक शॉर्ट कोर्सेज का हमने शुरू किया है, इसमें पिछले 25 महीनों में देश के 38 सिटीज़ में, 38 शहरों में लगभग 150 कोर्सेज हम कंडक्ट कर चुके हैं। तो इसके द्वारा एक देश के अनेक हिस्सों में, जहां FTI के बारे में लोगों को ज़्यादा नहीं पता था, FTI के कोर्सेज के बारे में पता नहीं था, अब ये बीजारोपण हम कर रहे हैं। तो हज़ारों, लगभग 6,000 पार्टिसिपेंट्स अब तक ये कोर्सेज कर चुके हैं। तो 6,000 ऐसे हमारे FTI के ब्रांड एम्बेसडर अब पैदा हो चुके हैं, जो लोग इन कोर्सेज के बारे में जानते हैं। और इसमें जो तरुण पार्टिसिपेंट्स हैं, जो यंग पार्टिसिपेंट्स हैं खासकर, उनके लिए अब एक एवेन्यू उपलब्ध हो गया कि अब उनको पता हो गया कि स्क्रीन प्ले राइटिंग क्या होता है, सिनेमाटोग्राफी क्या होता है, फिल्म मेकिंग क्या चीज़ है, और फिल्मों को कैसे देखा जाता है, कैसे समझा जाता है।
तो इन शॉर्ट कोर्सेज के माध्यम से अब वो हमारे रेगुलर कोर्सेज जो कैंपस में हो रहे हैं उसके बारे में भी उनको जानकारी मिली है। तो धीरे धीरे करके हम ये समझते हैं कि जिन शहरों में एफटीआई के शॉर्ट कोर्सेज हो रहे हैं उन शहरों में एक जागृति आई है एफटीआई के बारे में और एफटीआई के जेट एग्ज़ाम के बारे में, और आने वाले समय में बहुत बड़ी संख्या में देश के छोटे शहरों से जहाँ पर हमने ये कोर्सेज कंडक्ट किए हैं लोग एफटीआई में दाखिले के लिए अप्लाई करेंगे।